अंजू का काफी दिन तक कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होता। अचानक से जब भी उसका रिकॉर्ड, जब भी उसे याद आती है तो वो मैसेज करती है, बुआ। तो मतलब उसका ऐसे ही रहता है, बी यू ए करके बुआ। तब हमें लगता है वो मुझे मिस कर रही है, कॉल बैक कर। पता है नैना दी कथा है, सानू किस गली फिर मिलदी सजा है। नींद उड़ जावे, चैन छट जावे, इश्क दी फकीरी जद लग जावे। नींद उड़ जावे, चैन छट फकीरी जद लग जावे। ए मन करता है ठगी ठोरिया, ए मन करता है सीना जोरिया, एन सिख लिया दिल दिया चोरिया, ए मन दिया ने कमजोरिया। ए मन करता है ठगी ठोरिया, ए मन करता है सीना जोरिया, एन सिख लिया दिल दिया चोरिया, ए मन दिया ने कमजोरिया। आपके लिए भी है, दीदी इज बेस्ट। उसे पता है मेकअप उसे इतना नहीं पसंद है, उसे मीठा खाना बिल्कुल नहीं पसंद, पनीर भी नहीं। बहुत चूजी है, बहुत ज्यादा। फिर भी उसने आज ये सब किया आपके लिए। एंड शी चूजेस द बेस्ट। यस, एंड यू आर वेरी वेरी लकी टू हैव। एक्चुअली रजत और श्रृंखला के बारे में मुझे काफ़ी पहले से पता था, उसने मुझे बताया था। वो शायद जब कॉलेज में था तो उसने मुझे श्रृंखला के बारे में बताया था कि दीदी इस तरह से है, मैं उससे बात बात करता हूँ। लेकिन मैंने कभी इतना सीरियसली सोचा नहीं था कि आगे ये लोग शादी तक पहुँचेंगे। सुनता जाए, सुनता नहीं मन वालों की। मन ही मन में बनाए दुनिया एक ख्यालों की। पास कोई आवे, दूर कोई जावे, होता है क्यों ये समझावे। नींद उड़ जावे, चैन छट जावे। देखो बहुत मेहनत की है, पनीर खाना भी ट्राई कर लेंगे, मेकअप तो कर ही लिया है, कल भी किया और आज भी किया। इससे बहुत ज्यादा की एक्सपेक्टेशन, इतना ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे तुम्हारे लिए। चैन छट जावे, इश्क दी फकीरी जद लग जावे। ए मन कर दाए ठगी ठोरिया, ए मन कर दाए सीना जोरिया, एन सिख लिया दिल दिया चोरिया, ए मन दिया ने कमजोरिया। नैणा नू पता है नैणा दी खता है, सानू किस गल दी फिर मिलदी सजा है। नींद उड़ जावे, चैन छट जावे, इश्क दी फकीरी जद लग जावे। और हृदय से रजत और श्रृंखला की इस युगल जोड़ी को मैं हृदय से शुभाशीर्वाद देता हूँ। मेरा भी तो है दोनों बच्चों को आशीर्वाद। रजत और श्रृंखला को हम चाचा चाची की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जब मैं शादी होके आई तो मेरे घर में सिर्फ तीन बच्चे थे, छोटे 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 बच्चे थे। अंजू बड़ी थी लेकिन सबसे छोटी लगती थी हमेशा, हमेशा शर्माई सी, सकुचाई सी, हमेशा किनारे खड़ी रहती। yes.
क्यों बैंगलोर में मैं था, तो उसका यह था कि मेरे को बैंगलोर आना है भाई, हम लोग साथ में रहेंगे। और फिर बैंगलोर में हम लोग एक ही जगह पर रहते थे, एक अपार्टमेंट में। मेरा एक्सीडेंट हुआ लास्ट ईयर, हाथ में ऑपरेशन हुआ मेरा, मैं बता भी नहीं पा रहा था उसको क्या मेरी चोट लगी है, क्योंकि मेरे को पता था वो नहीं झेल पाएगी। शाम में वो ऑफिस से आई, हम मिले, तो हम जब भी एक दूसरे से मिले हमने एक दूसरे को हमेशा हक किया। और उस दिन मैं उठा नहीं अपनी जगह से, बिकॉज मेरे पैर में प्लास्टर था, तो मैं बैठा हुआ सोफे पे। वो आई और उसको वही एक चीज़ इतनी ज़्यादा अजीब लगी कि मैं उठा नहीं, एंड इट वॉज प्रोबली द फर्स्ट टाइम जब मैं नहीं उठा, बिकॉज ऐसा नहीं होता था कि हाँ वो आए और मैं अपनी जगह से उठ के जाऊँ ना। वही पैर में चोट लगी थी मेरे, एंड मैं नहीं बताया, ब्लैंकेट डाल के बैठा था। वही उसने बोला तुम ऐसे क्यों बैठो, मैं कुछ नहीं हुआ बैठो, बोली कुछ तो है, मैं कहा नहीं कुछ नहीं हुआ बैठो। उसने ब्लैंकेट हटाया और रोने लगी तुरंत। फिर वही था, मतलब वो है तो सब ठीक है, अब बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। बिकॉज श्रृंखला एंड रजत को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। रक्षा बंधन मेरे ना फेवरेट होते थे, जब लोग जो है गुलाब जामुन का भाई दूज वाला और फोटोज खिंचाते थे, और होली और दिवाली जब हम लोग ढेर सारे पटाखे खिंचाते थे, फिर सुबह उठ के पटाखे खरीदते थे। पीकाना